सर, आज हम रुचि को जैन रत्न में शामिल कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? कोलकाता की जो रुचि जैन है ये बहुत बढ़िया कथक डांसर है, जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट है। किसी कारण से इसका एक पांव को काटना पड़ा, पर इसने हिम्मत नहीं हारी और आज एक पांव पर भी वो कथक डांस करती है, अपनी जिंदगी को जी रही है, सारे काम कर रही है, इवेंट कर रही है और वाकई इसने अपनी जिंदगी को बनाई है। वाह जिंदगी। जय जिनेंद्र, आइए, वेलकम वेलकम। रुचि जैन रत्न, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा बचपन कहाँ बीता, क्या किया तुमने? मैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के जियागंज शहर से हूँ। मैं वहीं पे मेरे जन्म हुई है। मैंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम और मैंने वहाँ पे डांस का विशारत लिया है, कथक नृत्य में टीचर्स डिप्लोमा है, 7th ईयर कंप्लीट किया है और कराटे में भी मैं वहीं से ब्लैक बेल्ट हुई हूँ। इन सब में मेरे माता पिता ने मेरा बहुत साथ दिया। तुम्हारे एक पांव को काटना पड़ा, क्या है वो बात? 2001 में मेरी शादी हुई और ठीक 1.5 साल बाद ही 2003 के टाइम पे मेरे पैर में पता चला सीढ़ी में गिरने से कि उसमें एक ट्यूमर हो गया है नी जॉइंट में। पे ऑपरेशन कराया और बोन ग्राफ्टिंग ट्रीटमेंट हुआ, पर वो जो बोन ग्राफ्टिंग हुआ 2 साल में ही वापस उससे भी ज़्यादा ह्यूज साइज ट्यूमर हो गया। तो डॉक्टर ने कहा वापस बोन ग्राफ्टिंग नहीं, हम या तो नी रिप्लेसमेंट करेंगे या फिर पैर को काट देंगे, पर घर में रेडी नहीं थे और हमारा वो नी रिप्लेसमेंट हो गया। ठीक उसके 1 साल बाद मैं सोई हुई थी और सुबह उठी तो मेरा पैर जस्ट हैंग हो गया। पता चला कि नी जॉइंट के ऊपर वाले पार्ट में रॉड टूट गया। रविंद्रनाथ टैगोर में डॉक्टर विकास कपूर से हम लोगों ने ऑपरेशन करवाया और पैर को हटा दिया। कहाँ तक तुम्हारे पांव को काटा गया? यस, नी जॉइंट के काफ़ी ऊपर तक मेरा पैर नहीं है। अच्छा। और पैर पहनने के लिए इतना सा पार्ट बचा था। रुचि, तुम बहुत बड़े एक हादसे से गुजरी हो, पर आज तुमको देखकर मैं गर्वित हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने एक पांव ना होने पर भी तुमने एक मुकाम हासिल किया है। तुम क्या क्या कर लेती हो अभी? अभी मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ, एंकरिंग ज़्यादा करती हूँ, बट फुल इवेंट, वेडिंग इवेंट, बर्थडे एनिवर्सरी, मैं सब कुछ करती हूँ। एज ए मैं एक स्पीकर भी हूँ, मोटिवेशनल, तो मैं अभी ये भी प्रोफेशनल लाइफ में ले रही हूँ। मैं डांस भी कर लेती हूँ, एक पाव पे भी डांस कर लेती हूँ और कभी कभी आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ भी कर लेती हूँ, सोशल वर्क भी करती हूँ। समाज में अच्छे और बुरे लोग सभी होते हैं, तो क्या कभी तुमको ये अनुभव भी लोग कराते हैं कि तुमको एक पाँव नहीं है, तुम दिव्यांग हो, ऐसा भी होता है? अगर होता भी है मुझे पता नहीं, मैं उसको इग्नोर करके चली जाती हूँ। ये एक माइंडसेट होता है कि मेरे पास पाँव नहीं है। अगर उस माइंडसेट को आप हटा दें तो आसमानों को भी छूने की आप कोशिश कर सकते हैं और छू के ही रहेंगे। तुम्हें अनेक टेलीविजन शो में भी बुलाया गया, उसके बारे में कुछ बताओ। मैं 2009 में सोनी चैनल में एंटरटेनमेंट के लिए और भी कुछ करेगा का शो का एक ऑडिशन ऑफर आया, मैंने वो ऑडिशन दिया और मैं सेलेक्ट हो गई। और सेलेक्ट होने के बाद मुझे मुंबई में 8 दिन बुलाया गया, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए और अमेजिंग शो था। फारा खान, अनु मलिक जज थे और उस शो में मैंने एक पाव पे डांस भी किया, टाइल्स ब्रेक भी किया। लास्ट दिसंबर में ही जी बांग्ला चैनल में गई थी, अपने लोकल चैनल जो है उसमें दीदी नंबर एक शो हुआ था, वहाँ से चला के मेरे पास कॉल आया था और उन लोगों ने मेरा परफॉर्मेंस देखा। वो एक गेम शो था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट। तुम्हारी भविष्य की क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहती हो? अभी तो पूरी जिंदगी तुम्हारी पड़ी है। मैं एक फ्यूचर में एक टीवी एंकर बनना चाहती हूँ, एज ए
एक स्पीकर बन के जितने लोगों की दुनिया में आज वो लोग कुछ चीज़ों को कुछ खराब हो जाता है अंग में तो उनको कमी महसूस होती है, उनको कमी महसूस होती है, उस कमी को हटा के उन लोगों को जीना सिखाना चाहती हूँ। कराटे जूडो भी तुम कर लेती हो, उसमें तुम्हें क्या क्या पुरस्कार मिले? मैं डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन 6 बार रह चुकी हूँ, बंगाल चैम्पियन मैं 7 टाइम्स रह चुकी हूँ और नेशनल में भी मैं 1 बार गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी हूँ। तुम्हारे एक पाँव को काटना पड़ा जो काफ़ी दुखद है, घर गृहस्थी है, पूरी गृहस्थी तुमको संभालनी है, तो परिवार का क्या तुम्हारे प्रति सहयोग रहा, खासकर ससुराल वालों का? मेरे ससुराल वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, मेरे जो बड़े भाई साहब बीच वाले भाई साहब है अजीत भैया और अनिल भैया, दोनों का मेरे पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और ख़ास करके मेरे हस्बैंड का। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज इस मुकाम पर ही नहीं पहुंचती। मेरे हस्बैंड का नाम है सुनील जैन और वो एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक है। जय जिनेन सुनील जी, जय जिनेन। आज ये जिस मुकाम पे पहुंची है इसका श्रेय ये आपको दे रही है, आप जाने माने गायक हैं, आप अपने किसी गीत से आप बताएं रुचि को, वो गीत समर्पित करें कि आप रुचि के प्रति आपके मन में क्या भावना है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी जल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। बहुत बड़ी संख्या में तुमको दर्शक देख रहे हैं, लाखों की संख्या में, उसमें कई ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से दिव्यांग हो गए हैं, निराशा में होंगे, हताशा में होंगे, उन्हें तुम प्रेरणा के लिए क्या बोलोगे? पांव चला जाए, आंख चला जाए, हाथ चला जाए तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, जिंदगी को हारे मत, आगे बढ़ते जाइए, देखिए जिंदगी अपने आप आपको दोनों बाहें खोल के आपको स्वागत करने के लिए खड़ी है। और आपके ही जैन रत्न में मैंने देखा है, निष्ठा जी है दिल्ली से, उनके दोनों हाथ नहीं है और वो राष्ट्र पुरस्कृत है, तो क्या बात है, मैं भी तो उन लोगों से ही प्रेरणा लेती हूँ। तो ये वाह जिंदगी चैनल और वाह जिंदगी जो काम कर रहा है, सबकी जिंदगी वाह जिंदगी बना रहा है, और मैं भी आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रोग्राम में आपने मुझे भी एक हिस्सा बनाया है और मैं भी अपनी जिंदगी को वाह जिंदगी बनाऊंगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।